नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हाथरस से है, जहां आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव को लेकर सरकारी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं स्कूल में अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार ने पहुंचकर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने विद्यालय में बच्चों को देश के प्रति जागरूक किया। ये कार्यक्रम हाथरस के मॉडल प्राथमिक प्राइमरी गांगुली विद्यालय में किया गया। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में प्रसिद्ध समाजसेवी सतपाल जी महाराज की प्रेरणा और उनके सुपुत्र विभू जी के निर्देशन में साल 2015 से मिशन एजुकेशन का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान के तहत भारत के सभी राज्यों सहित विदेशों में भी कई लाख बच्चों को निशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की जा चुकी है। वहीं उनकी माता अमृता जी के पावन जन्मोत्सव पर भारत के सभी राज्यों के सभी आश्रमों के द्वारा निशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित कार्यक्रम किया जा रहा है। बोल रहे हैं कि आज जो माता जी का जन्मदिन मनाया गया है, 5 तारीख से 10 तारीख तक काफ़ी किताबें पढ़ने वाला, वो आज का पूरा किया गया है। विपन जी, प्रधान जी और गुप्ता जी और जगत सिंह जी और राजपाल जी, ये सभी लोग मेरे कार्यक्रम में साथ रहे और तीनों दो गांव में स्कूल में बांटने गई थी। प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक बांटी गई है और ऐसा कार मेरे गुरु महाराज जी हर प्रोग्राम करवाते ही रहते हैं। हमारी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति है, जिसके प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं। उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र श्री विभू जी महाराज जी के प्रेरणा से, उन्हीं के दिशा निर्देशन में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मिशन एजुकेशन, जो 2015 से प्रारंभ हुआ और अब तक हमने इस कार्यक्रम के तहत 2117 से ज़्यादा बॉक्स लगाए हैं और लगभग 5.5 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री ये जो है वो उपलब्ध कराई है। अगली खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट के संस्थापक विजय कांत चौहान और भगत सिंह जूनियर के नेतृत्व में रक्षा सूत्र बांधा गया। वहीं राष्ट्र रक्षा और शहीदों के सपने का भारत बनाने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में भारतीय सेना के जवानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बांदा में आज श्रावण मास के अंतिम दिन इस पावन पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में माताएं और बहनें अपने अपने घरों से सज धज कर हाथ में कजलियां लेकर मवई बुजुर्ग गांव के गोसाई तालाब में कजलियों को विसर्जित की। कजली विसर्जित करने के बाद सभी बहनों ने घर पहुंचकर अपने छोटे बड़े भाइयों को राखी बांधी। खबर हरदोई से है। हरदोई के पाली कस्बे में बुधवार की देर रात हुए बवाल के मामले में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के साथ सपा नेता समेत 4 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल कल रात पाली कस्बे के मोहल्ला इमाम चौक की सिद्धेश्वरी रस्तोगी के घर बुधवार की शाम मोहल्ले के फारूक और मुन्ना समेत कई लोगों ने तमंचे के साथ घुसकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि पाली कस्बे में कल जो भी प्रकरण हुआ उसका तिरंगा यात्रा से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बेसिकली पाली कस्बे में एक मोहल्ले के रहने वाले दो भिन्न समुदाय के युवक हैं, उनका आपसी विवाद हो गया था। वो विवाद बढ़ के पहले एक दूसरे के मतलब एक पक्ष के दूसरे घर के जाने पर हुआ, जाने में तब्दील हुआ और साथ ही साथ बाद में बात बढ़ने पर उसमें पथराव आदि भी हुए। इस संबंध में पुलिस द्वारा 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, अब तक 4 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं और लोगों से पूछताछ जारी है। कुछ विराद नहीं हुआ, सिर्फ झंडा के वजह से, जो मेरा बेटा झंडा फहराया उसी विराद है और कोई विराद नहीं है कि तेरा लड़का हिंदुस्तानी बनता है, झंडा फहराएगा। हाँ, तो
तो रहते ही हिंदुस्तान में, खाते हमारा सबका, और तो उन देखो झंडा फहराते गाते हिंदुस्तान का है, खाते मेरे घर का। तो अब हम जो सब बेचने जाते हैं गारंटी का माल, तो मैं पैसा नहीं देती, तो आटा दे देती, चावल दे देती, हम भाई कमज़ोर हैं तो हम ले आते हैं, बच्चों को अपने जिलाते हैं बस। तो यही विराट कि मेरे घर से आटा चावल ला के खाती हो, और तो उन देखो मैं तो उन्हें झंडा उनका फहराया जाओ। आए क्यों झंडा फहराने गए हो, घर पर क्यों नहीं बैठे, मेरे बेटे अपने बेटे को क्यों नहीं समझाया कि झंडा फहराने मत जाओ। खबर फतेहपुर से है। फतेहपुर में यमुना नदी में सवारियों से भरी नाव पलटने से बाल बाल बच गई। दरअसल यमुना नदी में बाढ़ को देख फोर्स ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी नाविक की शक्ति को नजरअंदाज कर यमुना की नदी पार कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला किशनपुर थाना क्षेत्र के दांदो घाट का बताया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया है कि अब तक की विवेचना में करीब 50 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जो पेपर लीक के माध्यम से चयनित हुए हैं। वहीं कई अन्य अभ्यर्थी भी संदिग्ध पाए गए हैं, जिनका सत्यापन किया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष रूप से विवेचना की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, 4 और 5 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा कहलाई जाती है, और जिसमें सब इंस्पेक्टर या उसके इक्विलेंट, सब इंस्पेक्टर तो नहीं था एग्जाम, उसके इक्विलेंट पदों पर जो है भर्तियां होती हैं इसके माध्यम से। और ये परीक्षा में कुछ समय बाद इस पर सवाल लगने लग गए, और बेरोजगार संगठनों ने भी और सोशल मीडिया में भी इस पर जो है उंगलियाँ उठी। तो बेरोजगार संगठन जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, तो उन्होंने जैसा उनका एक ड्रीम है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाया जाए, उसी को का संज्ञान लेते हुए मुझे आदेशित किया कि इसमें FIR करा करके आगे की कार्रवाई की जाए। खबर कर्णप्रयाग से है, जहाँ गैरसैंण तहसील के आगरचट्टी गाँव में बरसाती नाले ने लोगों पर कोहराम मचा दिया है। दरअसल भारी बारिश के कारण उफनाए नाले से 3 मकान ध्वस्त हो गए हैं। गांव के ऊपर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे ठेकेदार पर ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।